इंडिया पाक मैच से पहले शुरू हुआ बवाल। बॉयकॉट गैंग के निशाने पर जय शाह। 14 अक्टूबर 2023 को वर्ल्ड कप का महामुकाबला होने वाला है। भारत और पाकिस्तान शनिवार यानी 14 अक्टूबर को आमने सामने होंगे। भारत और पाकिस्तान जब भी क्रिकेट के मैदान में एक दूसरे के सामने होते हैं, तब जिसे क्रिकेट में दिलचस्पी नहीं भी होती है वो भी दिलचस्पी दिखाने लगता है। लेकिन अब इस मैच को बायकॉट करने की मांग सोशल मीडिया पर तेज हो रही है। बायकॉट करने वाले भारतीय सवाल पूछ रहे हैं कि जिस देश के आतंकवादी हमारे सैनिकों और जवानों की जान लेते हैं, उनके साथ मैच क्यों खेला जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कामिनी झा और आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। शनिवार यानी 14 अक्टूबर के मैच में प्रबल प्रतिद्वंदी भारत और पाकिस्तान की टीम आमने सामने होगी, जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई है। यह मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। वैसे तो रोहित शर्मा की टीम इंडिया पाकिस्तान के मुकाबले काफी मजबूत नजर आ रही है, लेकिन दोनों मुल्कों के मुकाबले में ये बात मायने नहीं रखती है, क्योंकि भारत पाकिस्तान का मैच सिर्फ एक खेल नहीं होता। इसमें भारतीय और पाकिस्तानी दोनों अपनी इज्जत को दांव पर लगा देते हैं, मानो मैच हारना युद्ध हारना हो। अब इस मैच को लेकर सोशल मीडिया पर कई लोग गंभीर सवाल उठा रहे हैं। इसे बायकॉट करने की मांग की जा रही है, साथ ही बीसीसीआई और जय शाह पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। आखिर पाकिस्तान क्रिकेटरों का भारत में इस तरह गर्म जोशी के साथ स्वागत क्यों किया गया। जिस देश ने भारत के खिलाफ आतंकवाद को जगह दे रखी है, जिनके हमले में हमने कई हमारे जवानों और सैनिकों को खोया है, उसके बाद उस देश के खिलाड़ियों का ऐसा स्वागत। अहमदाबाद में पाकिस्तानी खिलाड़ियों के स्वागत में लड़कियों से डांस करवाया गया। इसके साथ साथ खिलाड़ियों पर फूलों की वर्षा भी हुई। पाक खिलाड़ियों का यही भव्य स्वागत टीम इंडिया के फैंस को रास नहीं आ रहा, जिसके बाद बायकॉट शुरू हो गया है। वरिष्ठ पत्रकार राहुल शिवशंकर ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर गंभीर सवाल पूछा है। उन्होंने लिखा, अहमदाबाद में पाकिस्तान की टीम के आने पर ढोल नृत्य पुष्प वर्षा की गई। पाक टीम ने भव्य स्वागत के बाद बीसीसीआई को धन्यवाद दिया। ये वही टीम है जो क्रिकेट मैच में जिहाद को जोड़ती है। उनके लिए हर जयकारा उनके नफरत भरे दृष्टिकोण के लिए जयकारा है। उन्हें मिलने वाला हर निमंत्रण उस देश को वैध बनाता है जिसका वो प्रतिनिधित्व करते हैं। इसी तरह कई लोगों ने एक्स पर इस मैच को लेकर और खिलाड़ियों के स्वागत को लेकर सवाल उठाए हैं। खैर, अब अगर वर्ल्ड कप में दोनों टीमों की बात करें तो भारत के खिलाफ पाकिस्तान का रिकॉर्ड बेहद खराब है और दोनों मुल्कों के बीच अब तक हुए 7 मैचों में पड़ोसी मुल्क की हार हुई है। साल 2020 तक पाकिस्तानी टीम T20 वर्ल्ड कप में भी भारत को हरा नहीं पाई, लेकिन अक्टूबर 2021 में यह सिलसिला टूटा। पाक टीम ने कप्तान बाबर आजम और रिजवान की नापाक पारियों के सहारे भारत को 10 विकेट से हराया था। अब देखना होगा कि शनिवार यानी 14 अक्टूबर को भारत पाकिस्तान में से कौन जीत दर्ज करता है। खैर, हम तो यही चाहेंगे कि भारत शानदार तरीके से मैच जीते और पाकिस्तान को करारे शिकस्त दे। फिलहाल आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि भारत पाकिस्तान मैच के बायकॉट को आप कैसे देखते हैं और इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इसी तरह की तमाम खबरों और वीडियो को देखने के लिए न्यूज़ वन इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।